सो है गाइज, गुड इवनिंग, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। एंड सो गाइज, अभी टाइम हो गया शाम के 18:19। ये इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है, मैं यहीं से अभी पेट्रोल डलवाया था। और इधर सामने 100 मीटर की दूरी पर है हल्लू माजरा का चौक है, और इधर 200 मीटर दूरी पर ट्रिबिंग चौक है, तो उसके बीच में ये पेट्रोल पंप पड़ता है। और मैं ज़्यादातर यहीं से पेट्रोल डलवाता हूँ, और इसके बाद एक 28 सेक्टर वाली पेट्रोल पंप है, वहाँ से डलवाता हूँ। तो दोस्तों, मैं यहाँ से ओला और रैपिडो ऑन कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं ओला को ऑन कर लेता हूँ, ऑन ड्यूटी हो जाता हूँ, उसके बाद रैपिडो को भी कर लेता हूँ, ठीक है। तो ओला में ऑन ड्यूटी हो गया, और मैं रैपिडो को भी ऑन कर लेता हूँ। रैपिडो भी ऑन ड्यूटी हो गया। ऑन करते ही ओला में पहली बुकिंग आ गई। ये इंडस्ट्रियल एरिया फेस 1 से है, और इसको जाना है 18 सेक्टर। तो मैं इसे ओके कर देता हूँ और रैपिडो को ऑफ कर देता हूँ। .3 किलोमीटर की डिस्टेंस है, और कस्टमर का कॉल भी आ गया। हेलो, हाँ भैया, ओला राइड बुक किया मैंने। हाँ जी, मैं ना ट्रिबिंग चौक के बगल में हूँ, 5 मिनट लगेगा मुझे आने में। मैं आपके लोकेशन पे आके मैं आपको कॉल करता हूँ। ठीक है। हाँ, ओके सर। आज मेरी छुट्टी 5:30 हो गई थी, तो मैं सोचा कि सर 5 बजे के बाद घर पे भी ऐसे मोबाइल में ही टाइम पास हो जाता है, तो चलो आज ओला और रैपिडो पार्ट टाइम में करता हूँ। थोड़ा बहुत अर्निंग तो हो ही जाएगा। तो अभी 6:20 हो गया, और आपके सामने जैसे मैंने लॉगिन किया, ओला में साथ के साथ राइड आ गई, तो बहुत अच्छी बात है। तो इनको मैं चल के पिक कर लेता हूँ। और अभी शाम का टाइम है ना, तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। तो आज मैं रात के 12 बजे के आसपास तक काम करने वाला हूँ, और अभी मेरी बाइक चली हुई 28,592 किलोमीटर। तो देखते हैं आज पेट्रोल कितना खर्चा होता और आज की अर्निंग कितनी होती है, क्योंकि वैसे शाम का टाइम है, और शाम से मतलब अभी से लेके 12 बजे तक राइड आती रहती है, ज़्यादा टाइम वेटिंग नहीं करना पड़ेगा। तो हम आ गए यहाँ पे सेंट्रल मॉल की तरफ, और यहाँ से बस 500 मीटर की दूरी है कस्टमर की, तो चल के पिकअप कर लेता हूँ। जल्दी जल्दी राइड कंप्लीट करना, क्योंकि अपने पास ज़्यादा टाइम नहीं है। मैंने एक राइड कंप्लीट कर दिया ओला में, और ये 41 रुपीज़ का राइड था, और उसके बाद मैंने 2 राइड रैपिडो में भी कंप्लीट किया, तो रैपिडो में 65 रुपया 2 राइड कंप्लीट होने के बाद मुझे मिला। और मैं अभी 41 सेक्टर में आ गया हूँ। यहाँ पे जय जगदम्बे गढ़वाल रामलीला मंडल, इसका मतलब इस मैदान में यहाँ पर रामलीला होता है। तो कोई नहीं, आएंगे कभी देखने के लिए जब होगा। तो जब तक राइड नहीं आती है, तब तक मैं यहीं पर वेट कर लेता हूँ। हाँ, हूँ रैपिडो में हूँ, बट लोकेशन से जाता हूँ मैं, लोकेशन से जाता हूँ मैं। हाँ, मतलब ओला बुक कर रहे हैं क्या आप? बट मेरे पास आएगा कि नहीं, क्योंकि मैंने सेक्टर 31 के आसपास का लोकेशन डाल रखा, गो टू होम लगा रखा ना मैंने। हाँ, कोई और आएगा, क्योंकि मुझे उधर जाना नहीं है, इस करके मेरे पास नहीं आएगा। हाँ जी। सो गाइज, हम आ चुके हैं अभी डाउन टाउन मोहाली, और अभी रात के 12:05 हो गया। तो अब मेरा घर जाने का समय हो गया, बट मैं जिस लोकेशन पर रहता हूँ यहाँ से 9 किलोमीटर दूर है। तो मैंने रैपिडो में माई रूट बुक ऑन कर दिया है, और ओला में भी गो टू होम लगा दिया है। 5 मिनट और मैं यहाँ पे वेट कर लेता हूँ, अगर राइड आती है तो ठीक है, नहीं तो फिर मुझे 9 किलोमीटर अपना पेट्रोल खर्चा करके जाना पड़ेगा। सो गाइज, आज की अर्निंग ओला में 211 रुपया हुआ, और रैपिडो में 260 रुपया हुआ, तो दोनों को मिलाकर 471 रुपया अर्निंग हो गया टोटल। और 70 किलोमीटर मेरी बाइक चली है, तो 120 रुपया का पेट्रोल खर्चा हो गया, और 30 रुपया हम बाइक के सर्विस के लिए ऐड कर देते हैं, तो 150 रुपया टोटल खर्चा हो गया। और 471 में 150 माइनस कर दो, तो जो बचा आज की मेरी कमाई हुई। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को कर देना लाइक, एंड चैनल को भी कर देना सब्सक्राइब, क्योंकि मैं इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो मिलूंगा फिर आपको किसी दूसरे ब्लॉग में। इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।